नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा का आज छठा संस्करण हुआ है। ये कार्यक्रम आज सुबह 11 बजे दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में हुआ है और इस दौरान परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 38 लाख छात्रों के रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। इस दौरान पीएम मोदी ने 200 छात्रों के शिक्षकों और साथ ही अभिभावकों से रूबरू हुए हैं। और दरअसल बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छात्र और छात्राओं को परीक्षा के मद्देनजर गुरु मंत्र दिए हैं। साथ ही छात्रों के मन से परीक्षा को लेकर डर समाया होता है, उसे खत्म करने और अच्छे मार्क्स लाने के टिप्स शेयर किए। पीएम ने छात्रों के अलावा टीचर्स और पेरेंट्स से भी बातचीत की। बता दें कि इस कार्यक्रम के मेजबानी शिक्षा मंत्रालय ने की थी और इस कार्यक्रम का प्रसारण प्रधानमंत्री कार्यालय, शिक्षा मंत्रालय समेत तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए हुआ है। गौरतलब है कि इससे पहले पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम को लेकर कहा था कि परीक्षा पे चर्चा सबसे रोमांचक कार्यक्रम में से एक है, जो परीक्षाओं को तनाव मुक्त बनाने और साथ ही छात्रों की मदद करने के तरीकों पर चर्चा करने का अवसर देता है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में गुरु को बता दें कि स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 2002 के गुजरात दंगों पर आधारित बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री पर स्क्रीनिंग की आयोजन किया गया है। और वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के छात्र शाखा एबीवीपी ने यूनिवर्सिटी कैंपस के बदले ही विवादित फिल्म द कश्मीर फाइल्स चला दी थी। और बता दें कि केंद्र सरकार ने बीबीसी के इस डॉक्यूमेंट्री, जिसका नाम इंडिया द मोदी कन्वेंशन है, और प्रतिबंधित लगा रखा है। और एफआई ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करते हुए कहा है कि एसएफआई के आह्वान पर गणतंत्र दिवस पर आयोजित डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी एब्जेक्शन के सफल स्क्रीनिंग की झलकियां और साथ ही इसे देखने के लिए 400 से अधिक छात्र आए, जिन्होंने दुष्प्रचार और अशांति पैदा करने के एबीवीपी के प्रयासों को विफल कर दिया। वहीं एसएफआई छात्र समुदाय को सलाम करता है और जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परिसर में लोकतंत्र के लिए खड़े हुए हैं। जवाब में एबीवीपी के छात्रों ने गुरुवार को विश्वविद्यालय परिसर में द कश्मीर फाइल्स का प्रदर्शन किया है। विवेक अग्निहोत्री की ओर से लिखित और निर्देशित यह फिल्म पाकिस्तान से समर्थित आतंकवादियों के तरफ से कश्मीर हिंदुओं की हत्याओं के बाद से कश्मीर से कश्मीरी हिंदुओं के पलायन को दर्शाता है। वहीं गणतंत्र दिवस के अवसर पर सैफई में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में आयोजित रंगारंग कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंची सपा सांसद डिंपल यादव ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी है। और साथ ही बता दें कि डिंपल यादव ने कहा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव को सम्मान पहले ही मिल जाना चाहिए था। हम भारत सरकार से नेताजी को भारत रत्न देने की मांग करते हैं। आज पूरा भारत 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। यह एक उत्सव के रूप में पूरे भारत में मनाया जा रहा है और सभी को बहुत बधाई। नेताजी को भी आज सम्मान दिया जा रहा है। मेरा मानना है नेताजी का सम्मान पहले ही हो जाना चाहिए था और हमारी मांग रहेगी आने वाले समय में कि हम नेताजी को भारत रत्न देने की मांग करेंगे सरकार से। वही 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कमिश्नर रवि कुमार एनजू ने पुलिस परेड ग्राउंड में सलामी ली है। बता दें कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में हर साल तमाम तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस विभाग की तरफ से मंडलायुक्त रवि कुमार एनजू बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने तिरंगे को सलामी दी और कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोहल भी पुलिसकर्मियों की एकता और अखंड की शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही पुलिस विभाग के उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित करते हुए प्रशासनिक पत्र देकर उनका हौसला अफजाई किया गया। आज 74वां गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है और हम लोग उसी हर्ष और उमंग के साथ गोरखपुर में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज
इस कार्यक्रम में हम लोग पहले अपने कार्यालयों पे ध्वजारोहण करते हैं और उसके बाद पुलिस लाइन में कार्यक्रम होगा जहां कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में कार्यक्रम की जाएगी। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है बिकॉज संविधान ही वो आदर्श मूल्य बताता है जिसके आधार पर ये देश चलता है और उसमें भी पुलिस विभाग एक अहम विभाग है क्योंकि उसका मुख्य दायित्व इन आदर्शों और मूल्यों को और कानूनों का पालन करना होता है। आज का दिन इसलिए हम पुलिस वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम एक बार पुनः एक बार रिविजिट करें, देखें और उन आदर्शों और मूल्यों को स्थापित करने के लिए, उनको पालन करने के लिए हम लगातार प्रयत्नशील रहें और पूरे मनोयोग से कार्य करें। आज कई पुलिसकर्मी हमारे पूरे यूपी के पीलीभीत के जनपद के गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन पीलीभीत के गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर संजय सिंह गंगवार, राज्य मंत्री गन्ना विकास एवं चीनी मिल विभाग उत्तर प्रदेश ने ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया है। इसके बाद ही परेड की सलामी ली गई है। परेड कमांडर क्षेत्र अधिकारी सदर डॉक्टर प्रतीक दहिया के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों की टुकड़ियों ने सलामी दी है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक पीलीभीत अतुल शर्मा ने समस्त पुलिसकर्मी को देश की आजादी और एकता की रक्षा करने और उसे मजबूत बनाने के योगदान करने के लिए शपथ दिलाई गई है। इसके साथ ही जनहित की अच्छा कार्य करने वाले और साथ ही उनके कार्य के प्रति ईमानदार रहने वाले पुलिसकर्मियों को मुख्य अतिथि और एसपी पीलीभीत द्वारा पुरस्कृत किया गया है। इसके बाद ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जनपद के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। शिवपाल सिंह ने देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की और वसंत पंचमी की बधाई दी कल, और साथ ही शिवपाल सिंह नेताजी मुलायम सिंह यादव के पद्म भूषण मिलने को कहा है कि नेताजी ने देश प्रदेश के किसानों नौजवानों की आवाज को बुलंद करने का काम किया है, इसलिए सम्मान मिला है। क्या नेताजी को आगे भारत रत्न भी मिलना चाहिए? इस पर बोले है कि शिवपाल ने कहा है कि बिल्कुल मिलना चाहिए, जिस तरह उन्होंने देश के जवानों नौजवानों के लिए काम किया है मिलना ही चाहिए। केवल केशव प्रसाद द्वारा स्वामी प्रसाद के बयान को लेकर अखिलेश की चुप्पी पर बोले हैं, और साथ ही बताया कि शिवपाल ने कहा है कि बड़ बोले हैं केशव और अभी आए थे मैनपुरी उपचुनाव में, जसवंत नगर की जनता ने जवाब दे दिया है, आगे हम बताएंगे कि कैसे चुनाव लड़ा जाता है। आज बहुत ही शुभ दिन है, गणतंत्र दिवस है, बसंत पंचमी है, सरस्वती माँ का दिन है, तो हमारी सभी देशवासियों को और प्रदेशवासियों को आज के गणतंत्र दिवस की और बसंत पंचमी की और सरस्वती माँ की सबको शुभकामनाएं और बधाई। नेताजी को कल पद्मभूषण देने की भी घोषणा की गई है, तो इस बारे में क्या? देखिए, नेताजी ने जीवन भर किसानों की, गरीबों की और प्रदेश की। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस पर प्रदेश भर में जोश के साथ मनाया गया है और तरह तरह की झांकियां निकाली गई है जिसे देशभक्त से लेकर जन जागरूकता के संदेश दिए गए हैं। वहीं चित्रकूट के पुलिस लाइन में भी देशभक्ति की झांकियां देखने को मिली है, जहां पर पुलिस के जवानों ने अलग अलग टीमों के साथ परेड निकाली और स्कूली छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से जन संदेश दिए है। इस दौरान जिलाधिकारी अभिषेक आनंद और एसपी वृंदा शुक्ला ने ध्वजारोहण किया है और देश की शान तिरंगे को सलामी दी है। साथ ही ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ ही कार्य करने वाले पुलिस जवानों के प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया है और स्कूल के आए सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाले छात्र छात्राओं को डीएम और एसपी ने सम्मानित किया है और पुरस्कार भी वितरण किए हैं। वही कल गणतंत्र दिवस के अवसर पर बता दें कि
बुलंदशहर की पुलिस लाइन में राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, पिछड़ा वर्ग और कल्याण और साथी दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश के नरेश कश्यप ने शिरकत की है। उत्तर प्रदेश बता दें कि राज्य मंत्री नरेश कश्यप और डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने कलेक्टर भवन में ध्वजारोहण किया और साथ ही गणतंत्र दिवस के अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन में तैरित परेड का आयोजन किया गया। और बता दें कि कल गणतंत्र दिवस के मौके पर ये खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस दौरान बता दें कि ये तस्वीर बुलंदशहर की है जहां पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश नरेश कश्यप ने शिरकत की और इस दौरान राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप और डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने कलेक्टर भवन पर ध्वजारोहण किया है और गणतंत्र दिवस की सबको बधाई दी है। और इस दौरान बता दें कि परेड का भी आयोजन किया गया जिसको लेकर लोगों में अलग उत्साह था, वहां तमाम लोग मौजूद थे और साथ ही पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी भी वहां इस दौरान मौजूद थे। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन के प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने ध्वजारोहण किया है और परेड की सलामी ली है, शहीदों को नमन भी किया गया है। देशवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की बधाई दी गई है। पुलिस लाइन में खराब मौसम में परेड में शामिल जवानों का हौसला बढ़ाया है। और बता दें कि गणतंत्र दिवस पर गाजीपुर की यह तस्वीर है कल, जहां पर बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस दौरान तमाम लोग वहां मौजूद थे। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन के प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने ध्वजारोहण किया है, परेड की सलामी ली है, शहीदों को नमन करते हुए नजर आए और साथ ही इस दौरान देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई शुभकामनाएं देते हुए नजर आए हैं। पुलिस लाइन में खराब मौसम में भी परेड करते हुए कर भी नजर आए और इस दौरान वहां के लोग जो है काफी जोश के साथ वहां पुलिस कर्मियों का हौसला अफजाई करते हुए वे नजर आए हैं। और बता दें कि इस खराब मौसम में भी गणतंत्र दिवस का अलग अलग जोश देखने को मिला लोगों के अंदर और वहां के पुलिसकर्मी के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से कल 74वें गणतंत्र दिवस की तस्वीर सामने आई, गणतंत्र दिवस को लेकर लोगों में एक अलग उत्साह नजर आया है। और ये गाजीपुर की तस्वीर है जहां पर भारी संख्या में लोग वहां मौजूद थे। कैबिनेट मंत्री ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी, शुभकामनाएं दी है। वहां पे इस दौरान परेड का भी आयोजन किया गया और इस खराब मौसम की वजह से, मौसम के होने के कारण भी वहां पर जबरदस्त लोगों में परेड को लेकर उत्साह नजर आया है। लोगों ने हौसला भी अफजाई करते हुए नजर आए हैं। राजघाट थाना क्षेत्र के खुरमपुर में रहने वाले शहरचंद्र ने थाने में आकर सरेंडर करते हुए कहा है कि उसने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और पंचनामा के बाद से शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यह घटना आरोपी के पति को गिरफ्तार कर हत्या के इस्तेमाल किए जाने वाले जूते की डोरी को भी पुलिस ने बरामद करने में सफलता हासिल की है। पति ने जूते की डोरी से गला कटकर पत्नी, बता दें कि पत्नी को मौत के घाट उतारा था और इस दौरान पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। और जूते की डोरी से बता दें कि पत्नी को मौत के घाट उतारा गया था और ये उसके गले में बांधे गए थे जिसकी वजह से पत्नी की मौत हो गई थी। प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक नगर के बताया है कि गिरफ्तार आरोपी शरद चंद्र के पूछताछ में बताया है कि युवक से उसकी पत्नी का विगत 6 महीने से अवैध चल रहा था, जिसके तंग आकर विगत 25 तारीख को उसने जूते की डोरी से गला में फंसाकर पत्नी की मौत के घाट उतार दिया है। रायबरेली में वायुसेना के निष्कासित जवान का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। दरअसल युवक का शव पेड़ से लटका हुआ बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि 7 महीने बाद जेल से मृतक छूटा हुआ था और नशे के लत के चलते वायुसेना से निष्कासित किया गया था। वहीं मादक और द्रव्य अधिनियम में 7 महीने पूर्व जेल में भेजा गया था। जेल से छूटने के बाद दूसरे दिन पेड़ पर फांसी लगाकर उसने आत्महत्या कर ली है। उसका शव बरामद किया गया है। बताते थे कि पूरा मामला नसीराबाद थाना क्षेत्र के पूरा लाल मजेर परैया नमस्कार गांव का बताया जा रहा है।
मेयर से एक परिवार मुरादाबाद में विवाह समारोह में इको बता दें कि स्कॉर्पियो में शामिल होने आए थे और इस दौरान बता दें कि परिवार को समारोह स्थल में पहुंचने में केवल 10 मिनट गुजरे ही थे कि सूचना मिलने पर गाड़ी में आग लग गई और इस दौरान जान हानि तो नहीं हुई है लेकिन कार इस दौरान धू धू कर जलता हुआ नजर आया है। आप तस्वीरों में देखिए ये आग किस तरीके से लगी है और बता दें कि ये जो परिवार है इस कार से शादी समारोह में शामिल होने आए थे और इस दौरान जब वे शादी में पहुंच गए तो इस दौरान ये कार में आग लग गई और देखिए ये बताया जा रहा है कि गाड़ी में आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है लेकिन देखिए किस तरीके से ये तस्वीर सामने आई है जहाँ गाड़ी धू धू कर जलते हुए नजर आ रही है और ये जो वहाँ परिवार के जो लोग थे वे बार बार बच गए हैं। किस तरीके से ये मामला सामने आया है और शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। यूपी के फतेहपुर में जिले में कल योगी पिता ने अपनी 3 वर्षीय मासूम बच्चे की फवाड़े से काट कर निम्न हत्या कर दी है और बच्चे के शव को कई टुकड़े में करने के और बता दें कि फावड़ा से काट कर बच्ची के शव के कई टुकड़े कर दिए गए हैं और एक गड्ढा खोद कर उसे दफन कर दिया गया है और ये मामला सामने आया है फतेहपुर से जहां पर बता दें कि उनकी पत्नी ने गांव वालों के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर पति की जमकर धुनाई कर दी है और गड्ढे से बच्चे का शव बाहर निकाला है। पुलिस को सूचना दी गई, मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल आरोपी हत्यारे पिता को हिरासत में ले लिया है और इस दौरान बच्चे को उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है और बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। 3 वर्षीय ये बच्चा था जिसका बता दें कि उसके ही पिता ने निम्न हत्या कर दी और बता दें कि इस दौरान फतेहपुर ज़िले के कलयुगी पिता ने मासूम बच्चे को फावड़े से काटकर उसकी निम्न हत्या की है। नहीं पकड़ा हमारी जनता पकड़ ले रही है उसको ढूंढाई भाई, बारिश होने लगी, बारिश में पूरी धरती तो इतनी फसल में फंसी है, सब लिहाज सब कोई पूरा गांव दुई गांव ढूंढा भाई है। जब दुई गांव का जो पुलिस की हिरासत में है तो कुछ क्या बयान दिया उसने? तो वो जो दिया हो तो पुलिस पूछा उसको, फिर हमारी जनता ने उसको खम्भम बांध दिया। बच्चे ने हार मा सब लोग रहा हार से आए ख्यालत रहा लड़का उनकी औरत मना करा था लड़का को उठा ले गया वही जो उन्हें खेत में काम करी रहा वही खेत में जाकर उसको घटना कर दिया पर वो से काट दिया चाहे काट दिया वही पर उसको फिर मट्टी दे दिया वहाँ से आया जब सब लोग पता पाए चिल्लाउट वोट मची तो गांव के लोग गए पकड़ के उसको बांध दिया फिर पुलिस के हवाले कर दिया गया। फिर और ये पूरा मामला जहाँ पर बता दें कि एक पिता ने ही अपने ही 3 वर्षीय बच्चे की हत्या कर दी है और इस दौरान फतेहपुर का ये पूरा मामला है जहाँ पर कलयुगी पिता ने अपने 3 वर्षीय मासूम बच्चे की फावड़े से काट कर हत्या की है और बच्चे का शव पुलिस ने बरामद कर लिया है। बता दें कि जब इस मामले की जानकारी उसकी माता को लगी तो वो घटनास्थल पर पहुँची और पिता को वो पीटने लगी जिसके बाद इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई है और इस दौरान गड्ढे से बच्चे का शव बाहर निकाला गया है। 3 वर्षीय ये बच्चा है जिसके उसके ही पिता ने फावड़े से काट कर उसकी हत्या कर दी है और साथ ही बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इस दौरान बच्चे के शव को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लेकिन सोचिए किस तरीके का ये घटना है जिस तरह में एक पिता ने ही अपने ही 3 वर्षीय बच्चे की हत्या कर दी, मौत के घाट उतार दिया और फावड़े से बच्चे की हत्या की गई और इस दौरान पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। पिता से लगातार पूछताछ की जा रही है कि हत्या का क्या कुछ कारण है। जालौन में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को चोरी के लॉडर बता दें कि पिकअप के साथ ही गिरफ्तार किया गया है और इस दौरान कुछ दिन मोहल्ला तोपखाना में अभियुक्त ने पिकअप की चोरी की घटना को अंजाम दिया था जिसके बाद से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और ये जालौन का मामला है जहां पर बता दें कि अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस दौरान चोरी के लॉडर पिकअप के साथ इस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और मोहल्ला तोप थाना मोहल्ला तोप खाना से अभियुक्त ने
पिकअप की चोरी की थी, जिसके बाद से पुलिस को इस मामले की जानकारी मिली और पुलिस ने इस दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इससे पूछताछ की जा रही है और ऐसे मामले कहां कहां उसने अंजाम दिए हैं और उसके साथ और कौन कौन शामिल है इस मामले को लेकर अभियुक्त से लगातार पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद से पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। और पुलिस बता दें कि इस दौरान जालौन में इस अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में फिलहाल इतना ही, फिलहाल नमस्कार।